जी निवार बनती है और बांध बनता है, और मुझे हो गया है कम से कम 8 साल 9 साल हो गया है काम करते हुए, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुहाने में कितने लोग काम करते हैं? गुहाने में लमसम में 600-700 वर्कर काम करता है। किस किस चीज में काम आती है ये? खाट में भी आती है और त्रिपाल में भी आती है, हर चीज में आती है। क्या क्या आइटम है? निवार है, बांध है, पांद है, हर चीज है ये। क्या नाम है? आदेश। कॉटन यार्न से बनती है ये डोरी और निवार, कॉटन कॉटन की आइटम है गुहाने में। आजकल थोड़ी बहुत रेशम की भी बनने लग गई, और ये लगभग 1962 से स्टार्ट है हमारे, तो पहले से काफ़ी, हमने तो 1995-96 में स्टार्ट किया था। पहले किसी से बनता था, अब किस तरीके से बनता? पहले खड्डी की मशीनें होती थी हैंडमेड, अब ऑटोमेटिक आ गई, प्रोडक्शन इनकी काफ़ी ज़्यादा है, बाज़ारों में लागत कम है, काम इसलिए कम हो चुके हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। यूनिट बढ़ गई, पहले जितनी एक पूरे गुहाने में बनती थी प्रोडक्शन थी, आज एक फैक्ट्री में हो रही है। तो क्या क्या आइटम बनती है, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? सप्लाई तो गुहाना से ऑल ओवर इंडिया ही होती है। मच्छरदानी की टेप, टेंट की आइटम, टेंटों में लगती हैं, गारमेंट्स में लगती हैं, चारपाई में लगती है, आर्मी सप्लाई में जाते हैं, आर्मी के भी काम कम हो गए पहले से। तो कितने लोग यहाँ आके काम करते हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? फैक्ट्री तो टोटल 40+ हैं, छोटी बड़ी मिला के टोटल 40-45 हैं। आदमी होंगे मेरे ख्याल में 1500-1200-1300-1300 आदमी तो होंगे बाहर से। हाँ बाहर से हैं, लोकल बहुत कम है, बाहर गए हैं ज़्यादातर। तो किस तरह की आइटम बनती है? आइटम निवार बनती है, चारपाई वाली निवार, मेन तो वही है ज़्यादातर। कम जो प्रोडक्ट हमें मच्छरदानी के टेंट के ये आइटम है, गारमेंट्स की है। तो पूरे इंडिया में गुहाना में ही सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा गुहाना में है प्रोडक्शन, उसके बाद मथुरा में है, फिर थोड़े बहुत छोटे यूनिट राजस्थान वगैरह में भी है। क्या नाम है? अनिल शेरावत जी। गोहाना में निवार काफ़ी पुराने समय से बनती है, 1960-61 से ही लगभग यहाँ निवार की शुरुआत हुई थी, फैक्ट्री लगानी मेरे फादर ने सबसे पहले यहाँ गोहाना में एक निवार की सोसाइटी, निवार सोसाइटी बना के उसमें उसके अंदर एक फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद फैक्ट्रियाँ लगती गई। और यहाँ पहले खड्डी हैंडलूम टाइप की मशीनें होती थी, वो तो धीरे धीरे अब उसका स्वरूप बदल गया है, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जिसपे निवार बनती है यहाँ। और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा निवार का उत्पादन गुहाना में ही होता है, इसमें तरह तरह की निवार बनती है यहाँ, जो मच्छरदानी में भी यूज होती हैं, टेंटों में यूज होती हैं, और गारमेंट्स में भी निवार लगती है काफ़ी सारी, और चारपाई में भी लगती है, और यहाँ से सेना में भी आपूर्ति की जाती है। पहले बहुत सप्लाई होती थी सेना में, डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन सेना में भी अब काफ़ी बदलाव आ गया है, उन्होंने अपने फोल्डिंग कोर्ट्स में अभी प्लाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए उनकी डिमांड कम हो गई है, तो इस आइटम को सेना में कम आपूर्ति हो रही है। जब आपूर्ति होती थी, जब सेना की डिमांड का लगभग 80% गुहाना से ही सप्लाई सेना को की जाती थी, और इसमें निवार जो है आधा इंच से टेप से लेकर के 4 इंच निवार तक यहाँ गुहाना में बनती है, जो तरह तरह की विभिन्न प्रकार के मटेरियल में इस्तेमाल की जाती है। कॉटन प्योर यहाँ लगभग कॉटन की ही निवार बनती है, आजकल थोड़ा बहुत इस्तेमाल रेशम का भी होने लग गया है, लेकिन ज़्यादा यहाँ कॉटन निवार की ही फैक्ट्रियाँ हैं। एक्सपोर्ट की आइटम भी बनती हैं, जहाँ एक्सपोर्ट की आइटमों में बैग वगैरह में जो टेप वगैरह लगती है वो भी यहाँ बनती है। तो गुहाना के अलावा और कहाँ इसका काम है? इसका और गुहाना में, इसके बाद मथुरा में भी निवार का काफ़ी काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुहाना में, उसके बाद मथुरा में बनती है, बाकी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ तो पूरे भारत में कहीं कहीं लगी हुई हैं। पूरे इंडिया में नंबर वन है ये गुहाना जो है, नंबर 1 पे निवार उत्पादन में नंबर 1 है। कितने लोग यहाँ से काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 40-50 यूनिट हैं, छोटी बड़ी सब मिला के SSI यूनिट्स हैं, MSME में सब रजिस्टर्ड हैं,
और लगभग यहाँ 1200-1300 मजदूर काम करते हैं इन फैक्ट्रियों में, जो अपना रोजी रोटी कमाते हैं और गुजारा करते हैं, उनको भरपूर यहाँ से काम मिल जाता है। क्या नाम? मैं नरेश गुप्ता हूँ, निवार एसोसिएशन गोहाना प्रेसिडेंट।